हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके और इसके बाद जो दी गई है नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करिए और हमारे चैनल में दिए गए जितने भी वीडियोस हैं और जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। माखनलाल चतुर्वेदी से यदि आप DCA का कोर्स कर रहे हैं तो इस बार एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होंगे, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए आपको ये मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है ताकि ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रक्रिया से आप वाकिफ़ हो जाएं कि किस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं। तो यदि आपने इस तरीके से हम यहां तक कैसे पहुंचे, इसमें लॉगिन कैसे किया है ये आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देख लें। हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं आपको अगला सब्जेक्ट जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ से लॉगिन होने के बाद क्लिक करना है मॉक टेस्ट दें और उसके बाद सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ओके बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे सारी जानकारी को देखते हुए, आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर आप चाहें तो ये सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए कि किसमें क्या होता है, फिर परीक्षा स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देंगे और आपके सामने फंडामेंटल के क्वेश्चन आ जाएंगे। पिछले वीडियो में PC पैकेज का जो पहला वीडियो अभी हमने डाला हुआ है, इसके पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए और उस वीडियो में हमने सबके बारे में जानकारी दी है कि किसका क्या मतलब होता है। तो चलिए हम इसमें आपको फंडामेंटल के क्वेश्चन दिखाते हैं मॉक टेस्ट के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन, एक बाइट का मान होता है तो एक बाइट के अंतर्गत 8 बिट होते हैं, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। अगला क्वेश्चन, रैम मेमोरी के किसके वजह से स्थायी संचरण के लिए उपयुक्त नहीं है, क्यों स्थायी संचरण नहीं होता, क्योंकि ये वोलेटाइल होती, मतलब जो भी इसमें सूचना होती है वो उड़ जाती है, डिलीट हो जाती है कंप्यूटर के बंद होने पर। MICR का विस्तार रूप क्या है, MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, तो ये एक प्रकार का स्कैनर है MICR जो कि बैंकों में चेक को पढ़ने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर तकनीकी पर आधारित थी, किस पर आधारित थी, अगर आपने जनरेशन पढ़ा हुआ है तो ये वैक्यूम पर आधारित थी। कंप्यूटर कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है, यह एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है इसलिए इनपुट उपकरण है। किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्या कहलाती है, ये कहलाती है प्रिंटर पर मुद्रित। आप कंप्यूटर से अगर कोई फाइल को ईमेल कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी और अगर आप प्रिंट निकाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे हार्ड कॉपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर की क्या कहलाती हैं, ये अलग अलग की के कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल होती है, इसको बोलते हैं मॉडिफायर्स। अगला क्वेश्चन देते हैं, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है, डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का उदाहरण है जो कि इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है इसलिए ये प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्रेस बस क्या है, एड्रेस बस कंप्यूटर के अंदर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये यूनिडायरेक्शनल है होती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी है, यूनिक्स भी है, OS2 भी है, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी। एक DVD क्या है, एक DVD एक डिवाइस है वो जिसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर के कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, कंप्यूटर के कार्यों का नियंत्रण करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर में कार्यों का नियंत्रण नहीं हो पाएगा, कंप्यूटर काम नहीं करेगा। वर्चुअल मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर में एक एल्यूजन है, मेन मेमोरी का एक केवल एल्यूजन है इसलिए इसका आंसर है C। लो लेवल प्रोग्रामिंग भाषा के अनुवादक को कहते हैं, तो सबसे लो लेवल लैंग्वेज यहाँ पर है असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के जो ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज चलता है उसको बोलते हैं असेंबलर। हर फाइल में अवश्य होता है फाइल का नाम। सिंटैक्स क्या है, किसी भी लैंग्वेज की शब्दावली को हम सिंटैक्स बोलते हैं। डेसिमल नंबर की बाइनरी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, आप लोग भी इसको निकाल करके चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पर जा करके कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए, ठीक है, एसेसरीज में जा करके
और एडिट यहाँ से व्यू में जाकर के प्रोग्रामर वाला ऑप्शन ऑन कर लीजिए। अब हमको क्या निकालना, वैसे तो इसका एक जो विधि है वो आप उससे जाकर के निकाल लीजिए 14 को बाइनरी बदलने की, लेकिन यहाँ पर हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप 14 टाइप कीजिए और इसकी बाइनरी ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए इसकी बाइनरी वैल्यू आ चुकी है, तो इसकी बाइनरी वैल्यू होती है ये। अगला क्वेश्चन, ऑक्टल नंबर 15 का बाइनरी क्या है, इसको कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑक्टल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे क्या 15, इसका क्या ढूंढना हमको बाइनरी। अब हम बाइनरी पे सेलेक्ट करेंगे, देखिए इसका बाइनरी का आंसर ये आ गया है। अगला क्वेश्चन है, पीसी के लिए कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम क्या है, उसे बोलते हैं हम EBCDIC। एक डेटा संचार प्रणाली जो राज्य राष्ट्र और संपूर्ण विश्व में फैली हुई वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या होता है, यह एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है। AM शब्द का विस्तृत रूप क्या है, इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है ना, ये मॉडेम के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, AM शब्द का विस्तृत रूप क्या है, द वर्ड ऑफ AM स्टैंड्स फॉर एनालॉग मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन, वायरलेस लैनों का स्पष्ट लाभ है कि ये केबलिंग की लागत से बचना, स्थाई क्वार्टरों में लेन की सहूलियत दिलाना, तो दोनों इसका आंसर होगा। क्रिप्टोग्राफी किससे संबंधित है, नेटवर्क सिक्योरिटी से। आखिरी क्वेश्चन के आंसर को जब आप टिक लगाएं उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक करें, सबमिट बटन में क्लिक करें, सबमिट एग्जाम बटन में क्लिक करें और आपने सक्सेसफुली मॉक टेस्ट दे दिया है।